नसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेजबान साजा गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन आज बात करेंगे हम माइनॉरिटी के इश्यूज के ऊपर। हमारे साथ जो है माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के चेयरमैन और बानी वसीम गौरी साहब मौजूद हैं। एक दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत क्या होती है, और वो बयान काफ़ी सारा जो है लोगों की नज़र में आया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और उस पर कमेंट्स भी किए, और मैंने भी वो बयान सुना कि उसमें इन्होंने कहा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको कहा जा रहा है, साबका गवर्नमेंट उनको कह रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। यानी कि हम लोग 22 सालों से इम्पोर्टेड MPA MNA बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, और आज जब एतमाद के वोट के बाद मौजूदा गवर्नमेंट बन चुकी है तो PTI जो सबका गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगा रही है, और यही उसका एक नारा है जो आने वाले जलसों के ऊपर चल रहा है। तो मेरे साथ वसीम गौरी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन और बानी हैं माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के। हम इनसे पूछेंगे ये वीडियो बनाने से पहले आपके पास क्या आइडिया आया कि आपने इसी लफ्ज़ को टारगेट किया, जी बताइएगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे मधु किया और मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश की। देखिए साजिद भाई, दुनिया में हर इंसान आजाद है, गुलामी कोई भी नहीं चाहता। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो जितने भी औलिया नबी पैगंबरात आए हैं उन सब ने गुलामी की मुखालफत ही की है, ठीक हो गया। यहाँ पे जब इमरान साहब ये बात करते हैं कि हम दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी नहीं, तो मैं हो सकता है मेरे इमरान खान साहब से कई चीजों पे इख्तलाफ हो, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, लेकिन ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, हम दोस्ती करेंगे गुलामी नहीं करेंगे। क्योंकि जब खुदा ने इंसान को इक्वलिटी इक्वल पैदा किया है तो दूसरा भी इंसान कौन होता है कि किसी को गुलाम बनाए, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कोट करूंगा अपनी माइनॉरिटी की कि हमारे मुस्लिम भाई ये इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन है साबिक प्राइम मिनिस्टर है PTI के, वो कहते हैं हम दोस्ती करेंगे हम गुलामी नहीं करेंगे, तो आया मेरे माइंड में ये बात आई कि हमें आप लोगों ने क्यों गुलाम बनाया हुआ है, हमें क्यों नहीं हमारे हाथ हमारी जुबानें हमारे दिमाग खोलते कि हम भी अपने नुमाइंदगान वोट के जरिए असेंबलियों में भेजें जो कि आईन इजाजत देता है, फिर वो हमारे राइट्स की पासदारी करें हर आईनी तरीके के साथ। लेकिन यहाँ पे अलमिया क्या है, यहाँ पे लोग आईनी तरीके के साथ माइनॉरिटी की तर्जमानी नहीं करते, वो पार्टियों की तर्जमानी करते हैं, और जो कि ये प्रैक्टिस बहुत बुरी जा रही है। आज मैं ना शहबाज शरीफ साहब को बुरा कहूंगा, ना इमरान खान साहब को, ना जरदारी साहब को, ना मौलाना फजल रहमान साहब को, मैं अपने माइनॉरिटी के लोटों को बुरा कहूंगा, मैं उन पर लानत भेजता हूं कि वो हमारी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से ऐवानों में नहीं करते। क्योंकि जब वो पार्टी एक सिस्टम बना हुआ है ना सिलेक्शन का, जब वो सिलेक्शन के तहत इनको टिकट दे देती है तो ये इनकी इखलाकी जरूरत होती है कि ये जाके बेहतर ऐसे तरीके से हमारी नुमाइंदगी करें। और 22 सालों में ऐसा कौन सा नुमाइंदा है जिसने सिलेक्शन नहीं इलेक्शन पे वर्क किया हो, कोई ऐसा नहीं आया। क्योंकि लोगों को पता है कि जब हम वोट लेने स्ट्रीमलाइन गलियों में रोडों में बस्तियों में कॉलोनियों में जाएंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, रुस्वा करेंगे, हमें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। लेकिन ये सिस्टम उनको बहुत अच्छा सूट करता है कि जाओ किसी की भी गुलामी करो, किसी की भी चापलूसी करो और वो आपको टिकट दे देगा। आज मेरा आपसे ये सवाल है, फिर कह रहा हूं मैं किसी की जात पे बात नहीं करूंगा, मैंने हमेशा आपको अपने हर इंटरव्यू में कहा मैं किसी की जात पे तनकीद नहीं करूंगा, ना मुझे ये आईनी हक है ना मजहबी हक है। लेकिन जहां पे बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आईन की और हमारी माइनॉरिटी की आएगी तो फिर मैं ये हक रखता हूं कि मैं जात पे बात नहीं करूं, ठीक हो गया। अब आप देखते जाए कि ये प्रैक्टिस कितनी गंदी साबित हुई है। 2008 में सॉरी 7 के इलेक्शन में KPK से अरेश कुमार को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया, MNA बनाया, उसकी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं थी, उसने MNAship एंजॉय की, पैसे बनाए, अब चला गया PTI में, वो भी PTI में तब क्या जब PTI का ग्राफ बहुत ऊपर था। आज एक गुलशरण लाल, उसको 2002 में JUI ने MPA बनाया, आज वो PTI
में चला गया है। इसी तरह आज जेयूआई ने केशवर कुमार को डीए खान से एमपीए बनाया, आज वो पीपल्स पार्टी में चला गया है। ठीक है, रिसेंटली आप देख लें कि वो जो पीटीआई के एमएनए थे जिनको शहबाज गिल साहब ने ऑनियर अब्यूज भी किया था, वो पहले काफ में रहे, फिर नून में आए, और फिर अब कहां आ गए, पीटीआई और पीटीआई से पता नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये प्रैक्टिस सरासर हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब आपकी आवाम में मकबूलियत होती है, जब आपने वोट लेना होता है, तो आप टंके की चोट में अपने ईमानों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी करते हैं, बात भी करते हैं, अपने राइट्स भी लेते हैं, चाहे वो एहतजाज करके ले, चाहे वो लड़के ले, लेकिन जब आप पॉलिश से पॉलिश करके, गुलामी करके, बूट पॉलिश करके जाएंगे, तो आप अपनी कौम की नुमाइंदगी कैसे करेंगे, आप अपने राइट्स की बात कैसे करेंगे। तो वो मेरी वीडियो का मकसद ये था कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं हम दोस्ती करेंगे, हम गुलामी नहीं, तो मैं कहता हूं हमें गुलाम क्यों बनाया हुआ है। अभी महीना नहीं गुजरा तो हमारे, मैं कहता हूं आज इस वक्त जो पाकिस्तान में स्लोगन चल रहा है इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, मैं भी शख्स गुलाम नहीं रहना चाहता, तो फिर मेरा यहाँ पे सवाल है हमें माइनॉरिटी को आप लोगों ने क्यों गुलाम बनाया हुआ है, हम लोग को क्यों आप लोगों ने कैद में बंद किया हुआ है, हमें भी आजाद करें ताकि हम भी ऐसा तरीके से जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़के अपने नुमाइंदे असेंबली में भेजें, फिर वो माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करें, चाहे वो किसी भी इशू पे बात करें, अगर फिर उसके बाद भी हुकूमतें हमारी बात नहीं सुनती तो फिर हम तस्वर कर लेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी महफूज भी नहीं है और पाकिस्तान में माइनॉरिटी को राइट्स भी नहीं मिलते। साजिद भाई, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी बंदे को ए वाई जेड किसी भी बंदे को अगर प्लेट में रखकर एक वजारत दी जाए तो वो बड़े तो आसानी से ले लेगा, क्योंकि हमारी माइनॉरिटी की जितनी भी सीटें मिलती हैं माइनॉरिटी के बंदों को, जिसमें हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बगैर वोट के उनको बड़े आराम से कहा जाता है कि ये आपके पास एमपीए की सीट है, एमएनए की सीट है, तो आप असेंबलीज में आके बैठ जाएं। वो अगर बात ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के तो एक खाली जगह पूर की है उन्होंने। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो खाली जगह पुर करने के लिए भी अगर केपीके की बात करते हैं, तो मैंने दो साल पहले की बात है कि एक एमपीए को जो है वो अपने हक के लिए बात करना चाह रहा था केपीके असेंबली के अंदर, तो उसको जो है बाजू पकड़ कर वहां से बाहर निकाला गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि असेंबली के अंदर भी, सर मैं आपको बताता हूँ, आप बात कर रहे हैं सरदार जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जीत सिंह की। हाँ जी, देखिए सर वो बहुत अच्छे स्पोक्समैन है, बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो हमेशा इश्यू पे बात करते हैं, लेकिन वो भी इस वक्त ओपोजिशन में इसलिए बात करते हैं क्योंकि, और अगर निकाला है तो उसकी पार्टी कहां थी, क्या उनमें गैरत नहीं थी, उनके एक नुमाइंदे को बाहर निकाला जा रहा है, उन्होंने क्यों नहीं वॉकआउट किया, जो नुमाइंदों ने उनको बाहर पकड़ के निकाला, क्यों नहीं उन्होंने एहतजाज किया और कहा ये वापिस आके असेंबली फ्लोर पे उससे माफी मांगेंगे, तो यही तो वो वजूहात है, क्योंकि हमारी पार्टियों में भी इज्जत नहीं है, हमें लोग बड़ी ही बद नजर से, पूरी नजर से तसव्वुर करते हैं। मैं इसी तरह आपको एक और वाकया दिखाता हूँ, आंखों देखा, खुदावन कमी पेशी माफ करे अगर झूठ बोलूं तो मुझे इस जहान में सजा मिले। एक असेंबली में 2009 का एक दिन गालबन 10 की बात है, किसी बात पे पीपल्स पार्टी और नॉन लीग गुतम गुता थी, बजट, यस बजट की स्पीच हो रही थी, मुझे आज भी याद है, तो एक आपके ये हरेश कुमार, मतलब कि जब ये प्रोटेस्ट में कोई आगे हो रहा तो हाबिद शेर ने इसको पकड़ के कहा हिंदुआ तू तो साइड पे हो, ये आंखों देखा हाल है, क्यों, क्योंकि हमारी इज्जत नहीं, उसको पता ये तो हमारे टुकड़ों पे आया है, ये तो भिखारी है, वो वोट लेके आया होता तो फिर आबिद शेरली के सामने वो आता तो उसको आराम से तमीज से प्यार से उसका नाम लेके कहता जी आप भी भाई साइड पे हो जाए जरा। अच्छा, ये वजूहात है। अगर वोट की अगर बात करते हैं तो आपकी जो पार्टी की तरफ से ये जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं केपीके के अंदर, तो आपकी पार्टी की तरफ से टिकट के ऊपर आपके कुछ सुना है नुमाइंदों ने इलेक्शन भी लड़ा है? टिकट नहीं, हमने हमायत की है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन के इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें पूरा चार्ट दिया था कि उसने कहा आप इसको फिल करें, ये जो कवायद व जवाबित है ये जब आपकी पूरी होंगी तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं थी, फिर हमने कहा सर हम हमायत कर सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल आप हमायत कर सकते हैं, सिर्फ आप टिकट नहीं दे सकते। अच्छा, आप अपनी पार्टी की तरफ से आपने हमायत का ऐलान किया था? जी, और वो विन भी किए हैं। हाँ जी, खुदावन के फजल से 9 और 2 11 11 इस वक्त केपीके में काउंसलर है माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के, ठीक है 11, आप कहते तो उनसे हलफ ले लें जी, 11
और मैंने अपने जिस जगह से मेरा ताल्लुक है, जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, खुदाम के फजल से 7 काउंसलर खड़े किए थे, 7 में से 5 ने विन किया है। ठीक है, अच्छा अन अपोजर 1 ने अगले बंदे की जमानत जब्त कर दी है। ठीक है, अच्छा मिनोरिटी नेशनल अलायंस की अगर बात करते हैं तो इस वक्त पंजाब के अंदर और कराची के अंदर 2-3 ऐसे वाकयात हुए हैं जबरी मजहब तब्दीली के। सर क्यों नहीं, अभी रिसेंटली मैं आपको शेयर कर दूंगा एक बच्ची का वाकया होता, हमारी बड़ी प्यारी एक बहन है नस्टेला बाजी। ठीक है, तो क्योंकि जब आपको पता बच्ची के साथ ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ हो तो हम बेहतर समझते कि खवातीन ही लुक आफ्टर करे, वो ही फ्रंट मैन हो। हमारी बहन है स्टेला बाजी, हमने उसको भेजा, उन्होंने पूरे केस को परसू किया, SHO SSP लेवल तक गई, फिर हमारे जो सूबाई प्रेसिडेंट है अलियास सैमिल, अगर आप कहते हैं आप जानते भी उनको, उनके पास तो पूरी एक फहरिस्त थे। अब ये देखें ना, जब बहन बेटियों की इज्जत का मसला बनता है तो हम आके फेसबुक पे पब्लिक करके ये तो नहीं बताएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कुछ उसमें ऐसी फैमिलियां, हमने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, लेकिन मेरा खुदा का कलाम कहता है तो राइट हैंड से दे लेफ्ट को पता ना चले, तो ये चीज तो बहुत गलत है ना। अच्छा। कर रहे हैं सर, बिल्कुल खड़े हो रहे, हमारी कॉज ही है। अच्छा, आपके पास हमारे पिसा हुआ तबका और गरीब लोग है, हमने खड़ा ही उनके साथ जाति होती है पाकिस्तान में। अच्छा, पार्टी की अगर बात करते तो इस वक्त पार्टी की तरफ से आपके कितने जो है तंजीम शादी हो चुकी है, कौन कौन से सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर? सर अभी तंजीम शादी के हवाले से अगर बात करते हैं तो इस वक्त मैं इतना बिजी हो चुका हूँ कि मैं 10 से 12 घंटे पार्टी को दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हर टाइम अपने माइनॉरिटी नेशनल अलायंस के पेज पे ग्रुपों में। अगर हमारी पार्टी ना बढ़ती तो आप मुझे बताएं, मैं भी पाकिस्तान में रहने वाला एक माइनॉरिटी का आम सा बंदा हूँ, आम मिडल मैन हूँ, तो मेरे जो अल्फाज है उनकी तो कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने जो वीडियो बनाई है इम्पोर्टेड हुकूमत में, तो वो उस पे 80,000 के व्यूज क्यों आए हैं, यानी कि आप क्यों लोगों ने देखा है, यानी कि बात है, मकबूलियत है तो लोग आए ना। आपने जो वीडियो दी है उनके ऊपर बात की है पार्टीज के ऊपर, और लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया है, और उसके जो आपने बयान दिए हैं उसके ऊपर बातचीत भी की गई है। देखिए सर, अब डिपेंड करता है ना, अब एक तरफ इमरान खान की स्पीच आ रही है, एक तरफ वसीम गोरी की आ रही है, तो आप किसकी सुनेंगे? आपको साहब इमरान खान की सुनेंगे, इमरान खान एक ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तानी दुनिया का, उसका एक नाम है, तो भाई ये भी देखा जाता है आगे बोल कौन रहा है। इसी तरह जो मैंने वीडियो बनाई है लोगों ने देखा है, लोगों को इंटरेस्ट था, कोई लोगों ने कहा हमारे जी चेयरमैन साहब है, कुछ दोस्तों ने कहा यार ये तो हमारा दोस्त है, कुछ ने नहीं भी जानते थे यार ये तो वसीम गोरी है माइनॉरिटी नेशनल अलायंस का चेयरमैन, चलो यार देखते ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, जब सुना और वो लोगों को पसंद आई बात मेरी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन शेयर होती गई, आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि पार्टी की तरफ से अगर आपकी माइनॉरिटी नेशनल अलायंस पार्टी है, आपके उसके चेयरमैन भी हैं, अगर पार्टीज की अगर बात करते हैं तो इस वक्त PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तीनों पार्टीज इस वक्त जो है जलसे भी कर रही हैं और लोगों में जाकर तंजीम साजी भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत पाकिस्तान के अंदर चल रही है सियासत की, उसमें फायदा किस चीज का, कौन सी पार्टी ले रही है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान की खैर होनी चाहिए। ठीक है, खुदा हमारे पाकिस्तान को सलामत का कियामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो हम सियासत भी कर सकेंगे, हम सर दूसरी तीसरी चीजें कर देंगे। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं ना, हकीकत में इस वक्त ज्यादा हम जो इमरान खान के जलसों में आवाम नजर आती है, लेकिन उसके बरक्स देखा जाए जलसा जो भी करता है आवाम आती है, ये आप भी एज एंकर सहाफी इस बात की आप तायद करेंगे, आवाम निकलती है, लेकिन कुछ इमरान खान के 2-4 जलसे ऐसे हुए कि मैं कहता हूं कि शायद मे बी आई एम रॉन्ग कि उसने भुट्टो साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है, नहीं है उसके पास पास पहुंचा है, तो उसकी मकबूलियत ज्यादा है। हक को हक कहना चाहिए, व्हाइट व्हाइट होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, तो इमरान खान के साथ इस वक्त आवाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक को जमहूरी हक हासिल है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अपनी जीत जो समझता हूँ, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में। मैं इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद पाकिस्तानी एक्लिप से ताल्लुक रखने वाला यंग पार्टी का लीडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी जमीन पर रहने वाला इंसान हूँ, मैं हकायक को पसंद करता हूँ कि हर एक में सियासी शौर और बेदारी आनी चाहिए, और बहुत सारी एनजीओज ने भी पार्टियां सियासी बना ली हैं कि उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल सियासत का है, एनजीओज का नहीं है। चलिए मैं नाम ले लेता हूँ, रिसेंटली मैंने
बीसीसीआई छोड़ी थी क्योंकि उसमें कोई अपना करप्शन और आपस में इनकी लड़ाइयां नहीं खत्म होती थी, तो उन्होंने भी सीसीपी बना ली थी, क्रिश्चियन कंसर्न पार्टी। हालांकि उसमें मैं हंस रहा हूँ कि यार आपकी पार्टी में तो पहले से ही मतलब कि ये कह लो कि उनकी पार्टी में पहले से निशानदेही की जा रही है कि पार्टी खाली क्रिश्चियनों की है, ठीक है, ये जमहूरी पार्टी नहीं है, इसमें आजादी नहीं, खाली क्रिश्चियन होंगे। तो मैं हंसता भी हूँ कि नकल के लिए अक्ल चाहिए। फिर अभी कुछ दिन पहले एक और भाई ने फोन किया, उनकी एक एनजीओ थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो वुमेन पे काम करते थे, उन्होंने कहा जी मैंने भी अपनी सियासी पार्टी बना ली। मैं हंसता भी हूँ लेकिन मैं खुश होता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन सियासी पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के आइन को आपको जुबानी याद करना होगा। मेरा इंटरव्यू लिया आपको, मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन ना मुझे बताएं आपके दिल में जो आता है, चाहे असेंबली फ्लोर से लेके, चाहे वाने सदर से लेके, चाहे मिनिस्ट्रियां हो, जो क्वेश्चन है आपने करने करो। नॉलेज होता नहीं लोगों के पास, सियासी पार्टी बना ली है, काफी एनजीओ पार्टियां अब सियासी पार्टियां बना ली है भैया, हमें देखे देखे। हमारे नेशनल के प्लेटफॉर्म पर आप हमारी मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं आप? सर मैं मसीह कौम की नहीं, पूरे पाकिस्तानियों को पैगाम दूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो मेरा उठना बैठना हर मकतबा फिक्र के साथ है, मेरी दोस्तियां अहलेतशियों के साथ है, अहले सुन्नत के साथ भी है, हिंदुओं के साथ भी है, सिखों के साथ भी दोस्ती है। मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ करें, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर आप जिस अपनी पार्टियों में पाकिस्तान के आयन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के इंसाफ और पाकिस्तान की तरक्की को मद्देनजर रख के कोई फैसला करें, और एज अ माइनॉरिटी नेशनल अलायंस फाउंडर एंड चेयरमैन मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि अगर जहां इमरान खान साहब गुलामी की बात करते हैं तो हम भी गुलामाना जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, हमारा साथ दें और हमें भी इस गुलामी से आजाद करें, क्योंकि माइनॉरिटी तो ऑलरेडी चाहती है हम इस गुलामी से आजाद हों। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारी तहरीक का हिस्सा बने। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी नेशनल के चेयरमैन और बानी वसीम गौरी साहब आपका, कि आपने जो जो बयान दी है उसके ऊपर आपने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए जो सबका गवर्नमेंट जलसे जुलूस कर रही है पीटीआई की, उन्होंने एक नारा बना लिया इम्पोर्टेड हुकूमत। और ये बात बड़ी दुरुस्त की आपने कि 20 साल से हम अगर इम्पोर्टेड MPMN को बर्दाश्त कर रहे हैं तो क्या आप इस गवर्नमेंट को क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? मेरा ख्याल है कि ये जो बातें कही गई हैं ये सरासर सच्ची हैं, क्योंकि हर जो माइनॉरिटी की MPMNs बनते हैं वो सिलेक्शन की शक्ल में बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी पार्टी जो अपना एक अज़्म और एक अनुमान लेके आ रही है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, अगर इलेक्शन के ज़रिए हमारे MPMNs असेंबलीज़ के अंदर आएंगे तो हमारे माइनॉरिटीज़ के जो इशू हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं किसी भी मज़हब के साथ, वो सारे मिलकर हमारा साथ दें, क्योंकि हम जिस हक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। अगर दूसरी गवर्नमेंट्स की अगर बात करते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, वहाँ पर भी माइनॉरिटीज के जो लोग हैं कि वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़कर वो सामने आते हैं असेंबलीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो 22 साल से चल रहा है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, ये ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे हर उस बंदे का नारा लग रहा है जो किसी भी इशू से माइनॉरिटीज़ के जो हकायक हैं उनके ऊपर बात जो नहीं होती तो उसके ऊपर ये कहता है कि हमारे जो माइनॉरिटी के MPMNs असेंबलीज़ के अंदर जाते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए जाएं, ताकि अंदर जाकर जो वो बात करें उसके अंदर भी पावर हो। भैया हमारी कौम के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। फिर मिले नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।